तो आज मैं जा रही हूँ कुलधारा विलेज, जो कि वन ऑफ दी हॉन्टेड विलेज है, और इसकी हिस्ट्री बहुत ही फैंटास्टिक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि अगर आपको पता हो, राजा का राइट हैंड, ऑब्वियसली राजा का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। उन्होंने क्या किया था, उनको एक लड़की पसंद आ गई थी गाँव की, और उन्होंने उसके घर रिश्ता भेजा। बट जब सारी पंचायत बैठी तो उन्होंने इनकार कर दिया उस रिश्ते के लिए। और क्या किया गया कि उस विलेज को वार्निंग दी गई, 85 विलेज को वार्निंग दी गई, और उसके बाद रातों रात विलेज खाली हुए थे। 7 दिन का टाइम दिया गया था, अगर लड़की से शादी नहीं कराई तो सेना आ जाएगी। एंड वहाँ ऐसा कुछ हुआ कि वो लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक करके गए एंड रातों रात चले गए। अभी भी उस जगह पे काफ़ी कुछ है, सोना वगैरह, और रात को जाना अलाउ नहीं है उस जगह पे। तो जब लोग जाते भी हैं तो उनको वाइब्स भी आती हैं, और काफ़ी लोग चेक भी कर चुके हैं, काफ़ी वैज्ञानिक एंड ऑल, तो उनको भी वाइब्स आती है। तो अगर आप इस स्टोरी के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ। माय चैनल दिस साइड साक्षी संजल, और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं स्टे कर रही हूँ हिमकोटी के साथ। कल आपने प्रॉपर्टी देख ही ली होगी, वन ऑफ दी फेवरेट दिस झूला, ऑल दो दिस झूला इज फॉर फोटो एंड द सेल्फी पॉइंट। स्टार्ट करते हैं अपना दिन ब्रेकफास्ट के साथ। आज ब्रेकफास्ट में पराठे हैं। किस चीज़ के पराठे हैं ये? आलू के। तो आप लोग पराठे मतलब कैसे बनाते हो? मिक्स मतलब दो पराठे, एक के पराठा फिर आलू फिर उसके ऊपर एक पराठा, ये कि थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर आलू को मैश करके उसका मसाला बना के अच्छा रोटी के ऊपर पूरा लग जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरी स्लाइड आ जाती है। इस तरह से इंसान दो रोटियां खा सकता है एक टाइम पे। नाइस, चलो ट्राई करते हैं आलू का पराठा एंड स्टार्ट करते हैं अपना डे। यहाँ पे पराठे हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, एक के ऊपर मतलब एक पराठा है, उसके अंदर आलू का मिक्सचर है, देन उसके ऊपर दूसरा पराठा है। एंड इट्स लाइक आलू का पराठा इज सो यमी। मैं इसको अचार के साथ खा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कोल्ड कॉफ़ी पी चुकी हूँ। सो व्हेन यू कम टू लाइक राजस्थान, यू मस्ट ट्राई थोड़ा सा ना लोकल फूड और होम स्टे का फूड, यू विल फाइंड डिफरेंस मार्केट से। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। आई एम गोना शिफ्ट माई प्रॉपर्टी, अब मेरे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जा रही हूँ। लोग सोच रहे होंगे मैं तो सारी प्रॉपर्टी, ये शूज जो है एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि मैं रोज वर्कआउट कर रही हूँ, एंड आई एम गोना पिक माई शूज। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल सामान एंड सेल्फी कॉर्नर। बाय बाय आंटी, एंड दिस वॉज लवली एक्सपीरियंस टू बी विद दैम। पता है यहाँ मतलब राजस्थान में कल्चर इतना मान्य है कि आपको मोस्टली घरों के बाहर ना, मतलब घरों को हवेली कहा जाता है, कोठी कहा जाता है, कोठी महल। सो घरों के बाहर आप लोगों को गणेश जी की पिक्चर्स दिख जाएगी और शुभ लाभ लिखा दिखा जाएगा जब भी आप किसी घर के अंदर एंट्री कर रहे हो। सारी ऑफ रोडिंग है, ये गई गाड़ी नीचे, फिर से नीचे जाएगी यहाँ से। तो अगर आप सुनते हैं जिसके बाद सुन पाते हैं तेज, उसकी आवाज़ है
एकदम बहुत ही सारे विंड मिल्स हैं। मैं मिडल ऑफ नो वेयर हूँ, ये रोड मुझे यहीं पर लेकर आ गई है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे मेरा रास्ता कम से कम 2 किलोमीटर का है। आई डोंट नो, मैं इस रोड पर अगली बार आते हुए जाऊँगी। कुछ रास्ता दूसरा है, 20 किलोमीटर ऊपर है, मैं उस रास्ते से जाऊँगी। तो कभी भी आप जा रहे हो ना इस रास्ते, तो पहले से बता रही हूँ, गूगल मैप पे मत देखना खुलदारा, पूछ के जाना, क्योंकि गूगल मैप पे जो रास्ता आ रहा है वो आपको विलेज के अंदर ले जाएगा कच्चे रास्ते पे। पुराने किसी व्लॉगर्स ने डाला हुआ भी है कि मतलब रास्ता सीधा जा रहा है, तो एक बार अगर आप मेरा मतलब ऑब्वियसली व्लॉग देख ही रहे हो, सो रास्ता सीधा ही हो, मतलब बिल्कुल सही रास्ता, ऐसा नहीं है। और क्या कहते हैं, अभी मेरा रास्ता जो बचा है वो 1 किलोमीटर के आसपास का बचा है। 1 किलोमीटर में मैं कुलधारा होंगी एंड देखते हैं क्या स्टोरी है कुलधारा की। ऑब्वियसली मैं बता चुकी हूँ मैं कुलधारा जा रही हूँ, जो हॉन्टेड विलेज आप सुन ही चुके हो। कुलधारा यहाँ का हॉन्टेड विलेज है। कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय कास्ट में लड़ाई हुई थी कुछ, और ब्राह्मण और वैश्य, नॉट क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। सो कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, मतलब ब्राह्मण की लड़की थी और क्षत्रिय का लड़का था, तो तब इंटरकास्ट मैरिज नहीं पसंद मतलब नहीं थी, तो इस वजह से लड़ाई हो गई थी। अगर आप व्हीकल अंदर ले जाना चाहते हैं तो 50 रुपये चार्जेस हैं। हम व्हीकल बाहर ही खड़ा कर देते हैं, अंदर ले जाने की ज़रूरत क्या है हम लोगों को, सिंपल सी सोबर सी चीज़। नहीं अंकल, हम बाहर ही खड़ा करके खुश हैं, जैसे हरियाणा वाले लोग खड़ा करके बैठे हुए हैं। एक मिनट हम अंदर जाके देख ही लेते हैं कि व्हीकल का अंदर का क्या सीन है। मैं 2 बार गाड़ी का वो कर चुकी हूँ। गाड़ी यहाँ से मेन गेट से अंदर कम से कम एक सेकेंड, जुरासिक कैक्टस पार्क, अच्छा जुरासिक का कैक्टस पार्क कम से कम 1.5 किलोमीटर तक अंदर जाएगी। रोड कुछ इस तरह की है, और पैसेंजर अगर आपके साथ कोई बैठा होगा तो उसके 20 रुपये लगेंगे। आप अगर सिंगल पर्सन हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ, अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपके पैसे लगेंगे लाइक गाड़ी के साथ जाने में कुछ नहीं, 50 रुपये। तो ये गाड़ी पूरा अंदर तक जाएगी, और रोड कुछ ऐसी है जिसमें आपकी गाड़ी थर थर वाइब्रेट हो रही होगी। मतलब बाइक के कुछ पैसे ही नहीं है, सच तो बाइक ही उठा लाया करो गाइस, मगर इतनी गर्मी आप बाइक पर आ भी नहीं पाओगे। सो हम आ गए कुलधारा विलेज, वन ऑफ द हॉन्टेड विलेज। तो आज की जो स्टोरी है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी हॉन्टेड विलेज के बारे में, सो मैं पहुंच चुकी हूं, और ये मेरे पीछे है ये अबैंडन विलेज। अगर मैं यहां से नज़र घुमाऊं तो पूरा ये सारा अबैंडन विलेज का एरिया। सो वहां पे एक मतलब पत्थर पे आई गेस कुछ लिखा होगा इस जगह के बारे में, पता है मतलब फ़ोन का इतना बुरा हाल होता है ना इस टाइम पे, इतनी गर्मी में 32 डिग्री सेल्सियस में iPhone 12 Max Pro से शूट कर रही हूँ मैं, कि ये खुद ही बंद हो जाएगा थोड़ी देर में शूट करते करते वीडियो। इसको एकदम स्क्रीन को देखना पड़ता है और बार बार स्क्रीन पे टैप करना पड़ता है। सो कुलधारा अकॉर्डिंग टू द फोकलोर, सो ये इसकी स्टोरी है 19th century में, यहाँ पे तो उसकी स्टोरी है कि लोग विलेज को कैसे छोड़ गए और रात रात में क्यों छोड़ के गए। जैसे मैं स्टेट टू ड्रॉट एन अर्थ क्विक द विलेज रिमाइंडेड अबैंडन्ड सिंस 19th century, कुछ खास लिखा नहीं है, ओवरनाइट बस छोड़ी गई यही लिखा है, और रीज़न कुछ और दे रखे हैं। कुछ लोग कुछ रीज़न बनाते हैं, कुछ लोग कुछ बनाते हैं, बट इसे थोड़ा सा रेनोवेट करा हुआ है क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, और ये उसी टाइम से मतलब इस तरह से है जब लोग छोड़ के गए होंगे इसको। बट यहाँ की हॉन्टेड स्टोरीज हैं कि लड़का लड़की ने सुसाइड कर ली थी काइंड ऑफ वाली, सो इसलिए लोग विलेज को छोड़ के गए, बिकॉज आत्माएं भटकती थी एंड ऑल, बट हु नोज, मैं तो 19th century में थी नहीं यहाँ पे। इसके ऊपर वाले मतलब आई मीन फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आई गेस इवेंट्स भी होते हैं, जिस तरह के यहाँ का जो सेटअप है आई गेस यहाँ इवेंट्स भी होते हैं, नाइट इवेंट्स। एंड आई हैव नो आइडिया यार इस विलेज को उस टाइम पर लोग क्यों छोड़ के गए। अगर आप लोगों के पास कुछ आइडिया है तो मुझे बताओ। मैं ये ट्यूब वेल है आई गेस, एंड सामने वाला एरिया बन रहा है। चलो नीचे की तरफ चलते हैं वापस जहाँ से आए थे। मतलब इतना बड़ा गांव था ये गाइस, जितना आप देखने जाता तक आपके कैमरे में दूर दूर तक नजर आ रही है, इट वाज ऑल द विलेज एरिया।
सो गाइस ये वाटर स्टोर एरिया है बेसिकली, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे राजस्थान में पानी की कमी रहती है थोड़ी बहुत। अब आगे चलते हैं, ये था विलेज और ये था विलेज एरिया और ये थी इसकी स्टोरी। आगे इस तरफ चलते हैं। सब फोटोग्राफी का शौक रखते हैं ना, देन ऑल्सो दिस इज समथिंग बेटर फॉर यू। ये तो भूल भुलैया ऐसा लग रहा है, पर मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम ये वाला एरिया देख चुके हैं दूसरे एंगल से। विलेज इतना बड़ा नहीं है, छोटू सा है। हम कहीं पता है वो मील्स के पास अटक गए थे, मतलब मैं और मेरी गाड़ी, हम उस माइल्स के पास अटक गए थे, मतलब वो एनर्जी जनरेटर्स कहते हैं, विंडमिल्स। ये सीढ़ियाँ खतरनाक है, चलो नीचे चले। तो हम आ गए अबेंडन विलेज की तरफ और हम चलते हैं वापस। ओह गॉड गाइस, कितने मज़े आते हैं ना ऐसे हॉटनेस में, ऐसे हॉट कपड़े पहन के। कौन कौन आप लोगों में से हॉट कपड़े पहनता है मुझे बताओ। मैं पहनती हूँ बट क्लब में, मेरे को काले होने का शौक नहीं है। स्टे आज दूसरी प्रॉपर्टी के साथ है, मैं आपको दिखा के मतलब पहुंच के दिखाऊंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी है। और मुझे अभी पहुंचने में एटलीस्ट लगेंगे 15 से 20 मिनट क्योंकि प्रॉपर्टी अभी दूर है। तो मेरे को कुछ ऐसा फील हो रहा है, मतलब आई मीन मेरे गाड़ी के टायर्स में हवा बहुत कम है, मेरी गाड़ी हिल रही है। मैं वो दिल्ली, मतलब आई मीन जैसलमेर पहुँच के मुझे दिल्ली याद आ रहा है। मैं जैसलमेर पहुँच कर गाड़ी में हवा चेक करवाऊँगी। और मुझे क्या कहते हैं, मैं आज फिर से फोर्ट जाने के मूड में हूँ क्योंकि रात को फोर्ट बहुत खूबसूरत दिखता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा डिनर भी आज फोर्ट में करूँ। तो फोर्ट में कोई आज कैफे चलते हैं अच्छे व्यू के साथ, बजटेड कैफे एक्चुअली, नॉट महंगा वाला। पर यहाँ पे फूड थोड़ा महंगा है जस्ट बिकॉज ये थोड़ा अबेंड, मतलब यू नो अलग पड़ता है जगह, इसलिए फूड थोड़ा महंगा है। सो ऐसी है मेरी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट जहाँ मैं स्टे करने वाली हूँ। एंड आई एम सो श्योर है थोड़ा सा शहर से दूर है, बट दिस लाइक एक ही किलोमीटर दूर है शहर से। एंड मैं तो गाड़ी में आई हूँ, इट वॉज ईजी टू कम। सो गाइस दिस इज द रूम एंड मैं, मेरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। प्रॉपर्टी का नाम मैं मेंशन कर देती हूँ, ये थोड़ा सा आउटस्किट है 1 किलोमीटर, बट इट वर्थ कमिंग यार, लुक एट द रूम। सो टुमारो इज द प्रॉपर्टी टूर, ये मेरी तीसरी प्रॉपर्टी है एंड आई होप यू लाइक इट राइट। सो मुझे मिले हैं कुकीज लस्सी के साथ और मैगी के साथ, तो मैं आज खाने वाली हूँ मैगी। वो भी मेरा व्यू है ये, एंड दिस इज वेयर आई एम स्टेइंग। सो दिस प्लेस इज एक्चुअली यू नो, मतलब बता ही चुके हैं 1 किलोमीटर दूर, बट द प्लेस नेम इज द राठो हेरिटेज। सो आप इसे सर्च कर सकते हैं ऑब्वियसली गूगल पे, बाकी मैं इंफॉर्मेशन डाल दूंगी। अभी मैं फिलहाल ये इंजॉय करती हूँ। सो मैं यहाँ रुकी हूँ, तो ये इवनिंग का व्यू है। अभी मैं थक चुकी हूँ, आज मैं फोर्ट नहीं जा रही, कल मैं आपको ये जगह दिखाती हूँ जहाँ मैं रुकी हूँ। मतलब इट्स इन टू रीजनेबल प्राइस, नियर बाई INR, मतलब रेट जो है 800 डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न। अगेन अगर आप सीज़न में आ रहे हो तो 1000 के रेंज में भी मिल जाएगा आपको यही रूम जिसमें मैं हूँ और नीचे वाले रूम्स भी। बहुत शांति है, सब सीधा मिलते हैं गाइस डिनर पे क्योंकि 7:30 बजे मेरा एरोबिक्स का प्लान है। एंड
कल के व्लॉग में आपको ये जगह दिखाऊंगी और फोर्ट और कैफेस लेके जाऊंगी जैसलमेर। बाकी मेरी लेक और एक पैलेस रहता है, सो आई हैव टू कवर दैट एज वेल। तो देखती हूँ कल का क्या सीन बनता है, देन आई विल शेयर अकॉर्डिंगली कल के व्लॉग में। Isn't this place look awesome? So this is the time of the evening and इसके बाद मैं खाना खाने वाली हूँ। मेरा शेयर यहाँ से यहाँ का फूड आपसे, मतलब लोकल फूड ऑफ जैसलमेर राजस्थान। सो गाइस यहाँ का लोकल खाना है और मैं भैया से पूछूंगी ये क्या क्या है। ये शायद गाजर की सब्जी है, एक मिनट आना। मिक्स वेज सब्जी, गाजर की सब्जी है। अच्छा मिक्स, और ये मिक्स वेज ये है, और ये क्या है? ये कड़ी है, कड़ी है लोग। अच्छा, और ये है गाजर की सब्जी, ये है बाजरे का चूरमा। गाजरे का चूरमा जी, चलो। और ये बाजरे की रोटी है, बाजरे की रोटी। ओके, मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैं जाके कहीं, मतलब वो नहीं होता यहाँ के, मगर आप यहाँ पे शायद वो अच्छे नहीं है ना। क्या जी? इधर शायद वो अच्छे नहीं है ना, क्या कहते हैं, मतलब कुछ हेरिटेज कुछ बना हुआ जहाँ पे ये सब अवेलेबल हो जाए। नहीं, ये अवेलेबल नहीं है, होममेड होते हैं। या आप होममेड लाए हो? जी जी। सो गाइस, किसी ने अगर आना हो यहाँ पे और होममेड खाना खाना हो तो इनको पकड़ लेना, ठीक है। सो हम ट्राई करते हैं आज यहाँ पे फूड, हाथ से खाते हैं। दिस इज कड़ी एंड दिस इज बाजरे की रोटी जो कि चूर दी है, एंड आई एम गोना ट्राई इट विद द हैंड। ये इन्होंने होममेड बनवाया सर ने, ये बहुत यम्मी है। बाजरे की रोटी गर्म नहीं होती? नहीं, इसको थोड़ा ठंडा करके खाते हैं, मजा थोड़ा अच्छा था। नहीं, बॉडी के लिए वैसे गर्म नहीं होती, ठंडी होती है। नहीं, ठंडी ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। एकदम सही है बात। सो मैं स्टे कर रही हूँ होटल हेरिटेज के साथ, और मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ इस खाने के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लविंग माई चैनल, एंड सी यू टुमारो विद अ न्यू प्लेस इन जैसलमेर।